मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे घोड़बंदर रोड पर बस और डंपर के एक्सीडेंट में 5 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं, जिसमें बस कंडक्टर के हाथ में और बस ड्राइवर के गले में चोट लगी है। आपको बता दें कि सुबह करीब 7:45 के दरमियान ठाणे से बोरेवली जा रही बेस्ट की बस वेदांत हॉस्पिटल के नज़दीक बस डिपो के पास पैसेंजर को उतारने के लिए जैसे ही ये बस खड़ी हुई, उसी दरमियान पीछे से आ रहे एक डंपर ने टक्कर मार दी। डंपर चालक का नाम है हरकेश यादव, जो पातलीपाड़ा से माल खाली करके भयंदर जा रहा था और झपकी लगने के कारण गाड़ी से उसका नियंत्रण छूट गया और बस को पीछे से टक्कर मार दी। हालांकि उसने यह बताया है कि उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था। बस में करीब 25 यात्री थे, लेकिन 5 को मामूली रूप से घायल हुए हैं। आज रविवार का दिन था, जिसके कारण बस में यात्री अधिक नहीं थे, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। घटना की खबर लगते ही मौके पर पुलिस और RDMC की टीम भी पहुंच गई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया और उन्हें छुट्टी भी दे दी गई। हादसे को लेकर सुनील लांडके, जो बस के ड्राइवर हैं, क्या कुछ जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। कहाँ जा रहा था और क्या हुआ? थाना से हम लोग निकले हैं, थाना से हम लोग बोरेली जा रहे थे। यहाँ पे हम लोग सिग्नल जैसा क्रॉस हुआ, डंपर वाले ने पीछे से ठोक दिया। कितने पैसेंजर थे? पैसेंजर 20-25 थे। उनमें 2-3 जन को मुक्का मार लगाए और थोड़ा झटका लगा, मुझे भी गर्दन पे चोट, मतलब मुक्का मार लगा, कंडक्टर को भी हाथ में लग गया है। तो स्पीड कितनी रही होगी डंपर की? स्पीड ज़्यादा 30-30 की रहेगी, 30-40-50 की रहेगी। 50 की स्पीड में थोड़ा सर उनका ब्रेक नहीं लग रहा है, आप इस साइड में आइए। तो उनका गाड़ी का ब्रेक नहीं लग रहा है, तो गाड़ी का ब्रेक नहीं लग रहा है। हाँ, ब्रेक नहीं लग रहा है गाड़ी का। उनका ब्रेक फेल होने की वजह से मुझे जो